प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन में टाइप तीन का। टाइप वन और टू का वीडियो हम आपके चैनल पे डाल चुके हैं, उसको पहले आप देख लें, तब यहां पे देखेंगे तो समझ आएगा, अन्यथा समझने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, टाइप तीन में यह दो तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अंतिम सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन में फर्क नजर आ जाएगा कि ये दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। अंतिम सेंटेंस को बारीकी से देखो। पहला वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, लेकिन दूसरे वाला में कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से उसका मुख किस दिशा में है। यानी इसमें आरंभिक बिंदु से पूछ रहा है, इसमें अब यानी वर्तमान स्थिति पूछ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको आप हल टाइप टू में जो मैंने आपको बताया था तरीका, उससे कर लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन आरंभिक बिंदु से होगा तो इसका हल कहीं ना कहीं हमें डायग्राम बनाकर करना होगा। चलिए, दोनों की बात हम अलग अलग यहां पर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। यहां सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अंतिम सेंटेंस को आप देखेंगे, क्या कहता है, अब उसका मुख की दिशा में है। यूं ही अब की बात आ गया, वर्तमान की बात आ गया, तो कुछ नहीं करिए, सीधा सीधी टाइप टू में जो तरीका बताए थे उसके अनुसार इसको हल कर दीजिए। क्या बताए थे तो गौर करिए। एक आदमी अपने घर से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले दिशा लिखते थे वहां पर एन ई एस डब्ल्यू को क्लॉक वाइज, तो लिख दीजिए एन ई एस डब्ल्यू को क्लॉक वाइज, आपको दिशा निकल जाएगा। अब यहां पर कहता है कि एक आदमी अपने घर से उत्तर की ओर निकला है, उत्तर में चिन्ह लगा दीजिए, क्लियर है। आगे बढ़िए, ये सब जो माप है ना, 10 मीटर 5 मीटर, इसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। कहता है और सीधा जाता है बाएं मुड़कर, इसको छोड़ देना है, बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने का मतलब बताए थे 90 डिग्री बाएं मुड़ना होता है, बाएं मुड़े या दाएं मुड़े, 90 डिग्री बाएं 90 डिग्री दाएं होता है। तो बाएं मुड़ा यानी 90 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर वह अपने दाएं मुड़ा, क्या मुड़ा भैया, दाएं, दाएं मुड़ा यानी कि 90 डिग्री दाएं मुड़ा, ऐसा आपको समझना होता है। और फिर वह दाएं मुड़ा यानी कि 90 डिग्री पुनः दाएं मुड़ा, क्लियर है, मुड़ा, इसको छोड़ देना है। अब उसका मुख की दिशा में है, बस हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हल कैसे करिएगा, गौर करिएगा, ये दोनों विपरीत होता था तो घटाते थे, दोनों सेम होता था तो क्या करते थे, जोड़ते थे। तो 90 घटा 90 आपका घट जाएगा, यानी बच जाएगा 90 आर यानी कि 90 डिग्री दाया मुड़ा। दाया मुड़ने का मतलब क्या बताया थे, याद है या नहीं है, दाएं मुड़ने का मतलब होता है क्लॉक वाइज, 90 डिग्री वो दाएं मुड़ा है, किधर से, जहां वो घर से निकला था, यानी उत्तर क्यों निकला था, यहां से 90 डिग्री दाएं मुड़ा दो तो क्या निकल जाएगा, ईस्ट, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा बी, क्लियर है, बस ऐसे आपको मना लेना। चलो, इस क्वेश्चन को एक और एग्जाम्पल से समझने का हम प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, ऐसा है तो कुछ नहीं करना, जो भी आपका तरीका मैंने बताया हल कर देना। एक व्यक्ति पूरब की ओर निकला, चलो सबसे पहले दिशा दिखा दो, एन ई एस डब्ल्यू को क्लॉक वाइज लिखे, दिशा निकल गया, पूरब की ओर चला है, पूरब की ओर, पूरब ये है ना, पूरब की ओर, पूरब में चिन्ह लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, 4 किलोमीटर समय, ऐसे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं, जब अब रहेगा तो कोई मतलब नहीं होगा, है ना, जाता है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब क्या लिखेंगे, 90 डिग्री बाएं मुड़ा, 90 डिग्री बाएं मुड़ा, इसको छोड़ो, और फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा का मतलब क्या हुआ, पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ा, क्लियर है, 4 किलोमीटर जाता है, इसको छोड़ दो। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो भैया क्या करेंगे, दोनों सेम है तो इसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 180 डिग्री बायां। बायां का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक, यानी 180 डिग्री एंटी क्लॉक मुला, कहां से भैया, तो हम कह देंगे पूरब से, क्योंकि पूरब क्यों निकला था, तो यहां से एंटी क्लॉक चलो 180, तो क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे वेस्ट मिल जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर उसका चेहरा अब है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लियर है। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आया हो तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। यहां पर यह कहता है, गौर करिएगा थोड़ा सा, यहां पे ये कहता है कि अब रवि किस दिशा में जा रहा है, अब जहां आ जाए कुछ नहीं करिए, जैसे बताए हैं रवि शाम के समय सूरज की ओर 3 किलोमीटर पैदल जाता है। चलो पहले दिशा यहां पे लिख दो, एन ई एस डब्ल्यू, दिशा लिख दिए, है ना, किधर जाता है शाम के समय, तो कहता है शाम के समय सूरज की ओर, भैया शाम के समय सूरज होता है पश्चिम दिशा में, अब सूरज की ओर जा रहा है यानी पश्चिम की ओर जा रहा है, क्लियर है, यानी पश्चिम की ओर जा रहा है, आई बात समझ में, पश्चिम को निकला, कहो कैसे, तो कहता है रवि शाम के समय निकला है और वो भी सूरज की ओर, तो शाम में सूरज किधर रहता है, तो कहोगे वेस्ट यानी पश्चिम में रहता है, यानी कि सूरज पश्चिम की ओर निकला है, चिन्ह लगा दिए। आगे बढ़ो, और 3 किलोमीटर पैदल जाता है, वह अपने बाएं मुड़ता है यानी 90 डिग्री लेफ्ट हो गया मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है, पुनः अपने दाएं मुड़ता है यानी 90 डिग्री दाएं मुड़ गया,
क्लियर है, और 3 किलोमीटर जाता है, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, यानी पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़ा, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब रवि किस दिशा में जा रहा है? तो भैया मेरा तो बन गया, क्या करेंगे, दोनों असमान है तो घटा देंगे, दोनों समान है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो भैया 90 में से 90 घट जाएगा, आपका आएगा 90 R, यानी कि 90 डिग्री दायां मुड़ा। दायां मुड़ने का मतलब हम बताए हैं आपको बारीकी से, क्या क्लॉकवाइज मुड़ना होता है, यानी 90 डिग्री दायां मुड़ा है क्लॉकवाइज, कहां से, तो यहां से पश्चिम से। तो 90 डिग्री दायां मुड़ा हो क्या मिलेगा दोस्त, तो कहोगे नॉर्थ मिल जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, नॉर्थ, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में वर्तमान स्थिति पूछे कि वर्तमान में वह किस दिशा में है किसी से बिना तुलना किए हुए, तो मेरा उत्तर होगा इस डायग्राम की मदद से निकाल लेंगे। लेकिन अगर कहे कि आरंभिक बिंदु से जहां से वो चला था वहां से वह किस दिशा में है, तब तो भैया हमको डायग्राम बनाना होगा। चलो उसको समझते हैं यहां पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका अंतिम सेंटेंस कहता है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। जहां पे भी आरंभिक बिंदु आ जाए, तो आपको मैंने बताया है कि फिर तरीका आपके पास एक ही बचता है, वो है डायग्राम। यानी आप यहां पर पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, पहले आप डायग्राम बना लेंगे NESW, उसके बाद इसको हल कर लेंगे जो जो माप दिया है उसके अनुसार। कैसे, सो यहां पर देखिए हम बताते हैं। कहता एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है, पश्चिम की ओर जब भी वो चलेगा तो यहां मूल बिंदु से अप चलेगा, ऐसा ही बनाना है आपको डायग्राम। कहता है मूल बिंदु से 10 किलोमीटर जाता है, कहां, पश्चिम की ओर, इधर की ओर। तो भैया 10 किलोमीटर इसको चला दो, यहां पे ये 10 किलोमीटर चल गया, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चल गया, यहां से ये इसका घर है या जो भी स्थान है, यहां से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब होता है दोस्त एंटी क्लॉक मुड़ना, एंटी क्लॉक मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, यहां से एंटी क्लॉक यानी ऐसे मुड़ेगा, ऐसे यानी कि नीचे की ओर, और ये 4 किलोमीटर जाता है। क्लियर है, कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर, पूरब इधर है, फिर यहां से मुड़ा और पूरब की ओर वो 4 किलोमीटर गया, और फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है। दाया मुड़ने का मतलब होता है भैया क्लॉक वाइज ऐसे, और 5 किलोमीटर जाता है, यहां से क्लॉक वाइज ऐसे यानी कि नीचे की ओर। दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉक वाइज यानी कि नीचे की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह बायां मुड़ने के बाद शेक में जाता है, बायां मुड़ने का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉक यानी ऐसे इधर, तो इधर की ओर मुड़ो ऐसे, और कितना जाता है भैया, तो कहता है 6 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 6 किलोमीटर। तो यहां से 6 किलोमीटर कहां जाएगा, अनुमान आपको लगाना होगा। देखो यहां से 10 था, यहां से यहां तक 10 था, तो भैया यहां से यहां 4 था, तो यहां से यहां कितना बच गया 6, तो 6 जाने का मतलब कहीं ना कहीं यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर, ठीक है। अब कहता है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु इसका ए था, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो कहोगे तुम कि साउथ में है यानी कि दक्षिण दिशा में है, साउथ में है यानी कि दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा का मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया तो इसको एक क्वेश्चन से और समझाने का हम प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में भी गौर से देखकर अंतिम सेंटेंस कहता है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है ना, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, जो ही आरंभिक बिंदु से तुलना करके पूछ दे तो आपको सीधा सीधे डायग्राम से ही हल करना है दोस्त। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका है NESW, दिशा आप डायग्राम बना लिए। चलो हल करते हैं इसको। यहां पे कहता है खनक पूरब से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर जाता है, मैंने बताया है जब भी चलेगा तो वो मूल बिंदु से चलेगा। कहता है पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब यह है, तो पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि इधर इधर चलता है और वह 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लो भैया 8 किलोमीटर हो गया पश्चिम की ओर, और दाएं मुड़ता, दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, और 2 किलोमीटर जाता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज यानी ऐसे यानी ऊपर की ओर हो गया ना, और 2 किलोमीटर जाता है। क्लियर है, अब वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाता है। दाया मुड़ने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मुड़ना, दाया मतलब क्लॉकवाइज, यहां से दाया मुड़ा, यहां से दाया मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, तो दाया का मतलब ऐसे यानी इधर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है भैया, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी अब जो है वो यहां पे है, तो आपको बताना है कि आरंभिक बिंदु से यह किस दिशा में है। तो कहोगे भैया ये तो इधर है, इधर का मतलब क्या हो गया, इधर का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट में है।
किधर है ये, नॉर्थ वेस्ट में है, यानी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। कभी कभी यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, इसकी दूरी पूछ देता है, तो यहाँ पे लम डाल दोगे तुम सीधा सीधी, तो कहोगे ये दो है तो ये भी आपका दो होगा, ये पाँच है तो ये पाँच होगा, आई भैया कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब ये वाला दूरी अगर निकालना हो कि आरंभिक बिंदु से किस दूरी पर है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण निकाल दोगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 × 4 = 13 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है, आरंभिक बिंदु से यह 13 मीटर की दूरी पर है, कहाँ है तो नॉर्थ वेस्ट में है। कभी कभी ये दोनों प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि कितनी दूरी पर है और आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी भी निकाल लोगे प्लस किस दिशा में है वो भी निकाल लोगे, तो यहाँ तो पूछा था कि आरंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो आपका सिर्फ उत्तर होगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना, यही दो तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप में हम बताएंगे, टाइप चार में हम बताएंगे, आप देखे होंगे कि छाया, है ना, सुबह में राम की छाया उस मोहन के बाईं ओर पड़ती है तो उसका चेहरा किस ओर होगा, तो ऐसा क्वेश्चन की बात हम अगले टाइप में करेंगे, उसके बाद एक टाइप और बताएंगे, यानी 5-5 मिनट का वीडियो हम देकर आपको हम पूरे कंसेप्ट से परिचित कराएंगे, ठीक है दोस्त। मिलते हैं कल इसका अगला टाइप, यानी कि टाइप 4 लेकर, जब तक खुश रहिए, मंगन ओके, बाय बाय।